आप जिन प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव देसाई जी हैं और उनके साथ हमारे यहाँ के स्थानीय लीडर अजय महाजन जी और हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर उत्तर के MLA मुकिन नेगी जी और समस्त सेवा दल की टीम जो आज यहाँ है। मैं आमंत्रित करूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव देसाई से बात को संबोधित। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। सबसे पहले तो आज हिमाचल के सभी साथी सेवा दल के और हमारे MLA महोदय महाजन जी और हमारे उत्तराखंड से MLA नेगी जी और सभी सेवा दल के साथी, देश भर से घूमता हुआ आपके बीच में आया हूँ यहाँ पर और पत्रकार साथियों से भी बात करते हुए कहूँगा कि परिवर्तन का एक लहर देश में जो चल रहा है वो देखकर देश भर में इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और राहुल जी लगातार पहली भारत जोड़ो यात्रा में भी और बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी कहते थे कि चुनाव जो है वो पार्टियों के एजेंडा पे नहीं चलना चाहिए, चुनाव है वो जनता के मुद्दों पर चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनाव को जनता के मुद्दों से भटकाकर वो अपने एजेंडा पर ले जाने की बहुत कोशिश की, पर भारत की जनता हो सकता है थोड़े समय के लिए धोखा खाए, थोड़े समय तक किसी की छलावा में आ जाए, पर अंत में वो सत्य को समझती है, सत्य को जानती है और इस बार जनता खुद अपने मुद्दों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने देश के लोकतंत्र के लिए और अपने देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। मेरा बहुत अलग अलग राज्यों का जो एक्सपीरियंस मैंने देखा और मैं हर कहीं जाता हूँ तो एक सवाल पूछता हूँ, कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ, नेताओं से पूछता हूँ, पब्लिक से पूछता हूँ, इस बार चुनाव कौन लड़ रहा है, कांग्रेस या भाजपा लड़ रही है, कांग्रेस या भाजपा के नेता लड़ रहे हैं, तो जनता से जो जवाब आता है कि नहीं, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति और राहुल जी के जो इनिशिएटिव को और जिस प्रकार से खड़गे जी ने धरातल से आकर पूरे देश का कमान संभाले हैं कि इस बार देश की जनता, देश के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए अपने समझ के साथ तैयार किए और देश की जनता अपने मुद्दों का चुनाव लड़ रहा है। हिमाचल में हूँ तो ये जो मैं आते आते रास्ते में भी चर्चा जो कर रहा था तो सुक्खू जी की सरकार जो है लगता है जैसे हिमाचल की थी सुख लेकर आ रही आगे और उन्होंने जो भी 5 वादे किए थे और जो बाकी और जो मैनिफेस्टो के चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, कांग्रेस पार्टी का सैद्धांतिक तौर पे भी बहुत क्लियर रहा है कि जो वादे किए हैं तो निभाएंगे, हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से भाजपा ने वो 15 लाख का वादा हो या रोजगार का 2 करोड़ का वादा हो या महंगाई की मार से देश को बचाने की बात हो, हर वादों में वो विफल रही क्योंकि वादे थे, कोई इरादे नहीं थे। जबकि राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी एक फर्क भी है कि इस बार आप देखेंगे गारंटी 2 प्रकार की चल रही है, एक इंडिविजुअल की गारंटी है और वो हर जगह पे वो मोदी की गारंटी की बात करते हैं, व्यक्तियों की गारंटी आती है जाती है, कब छलावा हो जाता है मालूम नहीं चलता है, पर जब पार्टी गारंटी देती है तो, और जब यहाँ पर बात करेगा तो कोई ऐसा हमने कहते हैं हमारे जो न्याय पत्र में कि ये राहुल गांधी की गारंटी है, खड़गे जी की गारंटी, ये पूरे कांग्रेस पक्ष की गारंटी और पूरे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से लेकर नेता की गारंटी है। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि जब कोई कंपनी गारंटी देती है तो उसको माना जाता है, व्यक्ति गारंटी देकर निकल जाता है। इस बार मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास नहीं है, कांग्रेस की गारंटी घर घर में उसकी चर्चाएं हो रही है, चाहे हरियाणा में मैंने देखा, तो हर जगह पे देश भर में लोग का जो माहौल बना है, मैं ये भी मानता हूँ कि चुनाव के प्रथम चरण में शायद वो माहौल नहीं दिख रहा और सबको ऐसा लगता था और हमारे कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता था, पर अब 6 चरण का चुनाव हो चुका है, 7वें चरण का चुनाव होने वाला है। मीडिया के अंदर भी अब उनकी भाषा बदलने लगी है, जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं उनकी भी अब आंकड़े बदलने लगे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो इस बार एक इस प्रकार से है कि उनको पता है कि इस बार मोदी जी जाने वाले हैं और देश में फिर से अमन, चैन, सुख, समृद्धि आने वाला है क्योंकि इंडिया की सरकार आएगी। मैं लगातार हर जगह पे कहता हूँ फर्क है 2 संगठनों के बीच में, इंडिया में
पूरे भारत की बात है और उसमें दो आई हैं, एक इंसानियत का आई है और एक इंसाफ का आई है। वो दो आई को निकाल दो इंडिया में से, इंसानियत और इंसाफ दो आई निकाल दोगे तो फिर एनडीए बचेगा। ना इंसाफ है ना इंसानियत है, और इसीलिए आज देश में जो भी बलात्कार, भ्रष्टाचार, बेईमानी और देश भर में जो छलावा, किसान परेशान है, आदिवासी परेशान है, और ये देश की जनता का इस बार जो मूड बदला है उसका एक कारण ये भी है कि कहीं कोई आदिवासी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए भाजपा का नेता उस आदिवासी पर पेशाब करता है और उसका वीडियो बनाता है। कहीं हमारी 5000 साल पहले जो द्रौपदी पर एक वस्त्र खींचने के बाद द्रौपदी के वस्त्र खींचे थे और देश का अंदर धर्मयुद्ध हुआ था, मुझे लगता है दूसरा धर्मयुद्ध चल रहा है, क्योंकि हमारी मणिपुर की बेटियों को निर्वस्त्र कर कर जिस प्रकार से उनके अंगों के साथ दुष्ट व्यवहार हुआ, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, फिर भी हमारे देश का नया राजा, नया धृतराष्ट्र एक बार भी अपनी आँख की पट्टी नहीं खोला, एक शब्द भी नहीं बोला, वो मौन बनकर वहाँ पर बैठा रहा। और इसीलिए आज देश की जनता ये धर्मयुद्ध लड़ रही है, देश की जनता इस बार दूसरी आज़ादी का जंग लड़ रही है, और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र है वो न्याय का पत्र के लिए जनता इस बार घर घर जाके खुद जनता बता रही है कि कांग्रेस आएगी तो हर परिवार में महिला को 1 लाख रुपया मिलेगा, हर बेरोजगार शिक्षित जो युवा है उसको अप्रेंटिस के तौर पे, उसको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 1 लाख रुपया पहली नौकरी पक्की के तौर पे मिलेगा। किसान खुशहाली का वेट कर रहा है कि कांग्रेस आएगी